नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, इससे पहले हमारी बात चल रही थी राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में हमने देखा था, सबसे पहले राज्य की अवधारणा, राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, फिर राज्य की प्रकृति, राज्य का स्वरूप और जो कार्य हैं उसके बारे में हमने पुराने वीडियोज में देखा था। अब इससे जो नेक्स्ट की जो बात करें तो उसमें आता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में बात करें तो आज तक ये क्या है, एक तरह से राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं उनके लिए अनसुलझी गुत्थी है। ये अनसुलझी गुत्थी का मतलब ये कह सकते हैं, ये अनसुलझी अभी तक, यानी किस प्रकार से विकास हुआ, क्या हुआ, जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है उसके ऊपर अभी क्या है, सारे विचारक एकमत नहीं हो पाए। जो आगे वाले वीडियोस हैं उनमें देखेंगे जो सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है कौन सा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो एक तरह से अनसुलझी गुत्थी है। अब देखो, सबसे पहले इस सिद्धांतों में बात करेंगे हम देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को नाम से ही पता चल रहा है, देवी उत्पत्ति मतलब देवताओं के द्वारा जिस राज्य की या राजा की उत्पत्ति की गई है वो है देवता, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी जो राजा प्लस राज्य दोनों किसके द्वारा निमित हैं, देवताओं द्वारा। अब देखो, यहां देवताओं द्वारा इसके सबसे पहले देख लेते हैं समर्थक कौन कौन आते हैं, क्योंकि समर्थकों में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समर्थक देखो, सबसे पहले जो यहूदी थे, यहूदी, इनका नाम आता है सबसे पहले समर्थकों में। इसके अलावा जैसे बात करें हम समर्थकों में, तो समर्थक आते हैं इसके हीगल, फिर आते हैं जो राजा थे जेम्स प्रथम। देखो, जेम्स प्रथम की एक बुक भी थी, टूल्स ऑफ फ्री मोनाक्रीज, ठीक है। तो हीगल हो गया, जेम्स प्रथम, फ्रेडरिक है, रॉबर्ट फिल्मर है, फिर मनुस्मृति अपन यानी मनु है, और जो महाभारत, वेदव्यास जी महाभारत लिख सकते हैं, महाभारत में भी सिद्धांत देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ही बताया हुआ है। तो अब देखो, ये तो खुद राजा था जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम तो ये कहता है कि इस जो इसकी बुक है टूल्स ऑफ फ्री मोनार्कीज में, कि राजा तो क्या है, ईश्वर की उत्पत्ति है, यानी ना तो आप इसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो, अब देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो राजा प्लस राज्य, यानी राजा किसके द्वारा निमित है, ईश्वर द्वारा निर्मित है, और ये उत्तरदायी भी किसके प्रति है, ईश्वर के प्रति है। उत्तरदायी ये प्रजा के प्रति नहीं है, प्रजा के प्रति जो राजा है वो उत्तरदायी नहीं है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। देखो, हीगल महोदय की परिभाषा भी आती है, जो हीगल महोदय हैं वो ये कहते हैं कि राजा है वो तो क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का अवतरण है, वो तो क्या है, प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसके प्रति उत्तरदायी है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ये परिभाषा भी ध्यान में रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि राजा क्या है, राजा पृथ्वी के ऊपर जो ईश्वर का अवतरण है, यानी ईश्वर से अनुमति लेकर एक तरह से क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, और ये प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि मुख्य देखो काम तो क्या होता है राजा का, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें काम, यानी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन हीगल महोदय कहते हैं प्रजा के प्रति उत्तरदायी ना होकर किसके प्रति उत्तरदायी है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।
जेम्स प्रथम की भी परिभाषा देख लेते हैं। देखो जेम्स प्रथम ये कहता है कि राजा है, राजा तो क्या है, धरती पर देवता है। जेम्स प्रथम है ना, ये कह रहे हैं कि राजा तो क्या है, धरती के ऊपर देवता है, क्योंकि यहाँ का शासन कौन चलाता है, राजा चलाता है। और अगर राजा दुष्ट प्रवृत्ति का है, अगर राजा दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो इसका मतलब जेम्स प्रथम क्या कहते हैं कि अगर राजा दुष्ट प्रवृत्ति का आ गया, मतलब भगवान ने आपको क्या दिया है, दंड दिया है। राजा के ऊपर एक तरह से क्या है, कोई दोषारोपण नहीं है, इन्होंने निरंकुश बना दिया राजा को। जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसने क्या बना दिया था, निरंकुश बना दिया था राजा को। कुछ मनुस्मृतियाँ वगैरह हैं जो क्या राजा के ऊपर प्रतिबंध भी लगाती हैं। अब देखो बात करें उत्पत्ति की, तो हमने पुराने वीडियो में देखा था मनुस्मृति में, मनुस्मृति क्या कहती है। देखो समाज में दो वर्ग बन गए, एक तो बलशाली वर्ग और एक कौन सा बन गया वर्ग, निर्बल वर्ग, बलशाली प्लस निर्बल वर्ग। तो यहाँ देखो बलशालियों के अत्याचार बढ़ने लग गए किसके ऊपर, निर्बलों के ऊपर, यानी हाहाकार मचा दे एक तरह से पृथ्वी में। तो निर्बल क्या है, पृथ्वी के ऊपर इधर उधर थितर बितर होने लग गए, भागने लग गए एक तरह से। तो भगवान ने ये देखा कि मेरी जो बनाई हुई सृष्टि है उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, जो बलशाली वर्ग है इंटरफेयर कर रहा है। क्योंकि महाभारत जो है उसमें भी कहा गया है ना, श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ेगा तब तब मैं क्या लूँगा, धरती के ऊपर अवतार लूँगा। यानी धर्म की जब जब हानि होगी पृथ्वी पर तब तब मैं क्या है, पृथ्वी के ऊपर अवतार लूँगा। तो सेम चीज़ यहाँ हुई, तो इनसे निर्बलों को बचाने के लिए किसकी उत्पत्ति करी, मनुस्मृति क्या कहती है, ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति करी। अब देखो राजा के नौ दिव्य तत्व बता दिए उस समय, ये राजा क्या है, इन नौ दिव्य तत्वों से मिलकर क्या है बना हुआ है। तो दिव्य तत्वों के बारे में हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखो क्या कहता है मनुस्मृति, क्या कहती है, इन दोनों वर्गों की वजह से क्या है, राजा की उत्पत्ति हो गई और राजा के माध्यम से क्या है, राज्य चलाया गया। अब कुल मिलाकर देखो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देखो क्या कहता है। यहाँ सबसे पहली बात तो उसने राजा को क्या बना दिया, निरंकुश बना दिया। यानी निरंकुश बनाने का मतलब है उन्होंने ये कहा कि अगर राज सिंहासन के ऊपर बच्चा भी बैठा है तो आप उसके आदेश से उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। यानी राजा ने जो आदेश दे दिया ना वो सर्वोपरि है, ना आप इसके खिलाफ बगावत कर सकते। क्योंकि ये कहता है कि राज्य तो क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, ईश्वर का प्रतिनिधि, इसके ऊपर आप कोई ना तो एक तरह से विरोध कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फिर आगे चीज़ आती है, देखो बच्चा आ गया तो मतलब ये वंशानुगत भी हो गई। तीसरी चीज़ देखो, एक चीज़ हो गई इसमें वंशानुगत, भाई राजा का बेटा है फिर राजा बनता रहेगा और फिर क्या ये परंपराएं चलती रहेगी, वंशानुगत हो गई। और एक तरह से क्या हो गया, प्रजा के लिए भी क्या नुकसानदायक हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इस सिद्धांत का पतन होने लग गया। अब पतन होने में भी देखो कई सारी चीज़ें आती हैं, सिद्धांत इस कौन सा देवी सिद्धांत का पतन देखो किस कारण से हुआ। पतन होने के पीछे सबसे मुख्य कारण है देखो, उस समय राजा प्लस चर्च, इन दोनों के बीच क्या सर्वमान्य या शक्तिमान बनने की होड़ चली हुई थी। और जो राजा है उसने इस अंधविश्वास का सहारा लेकर, जैसे देवी उत्पत्ति सिद्धांत का सहारा लेकर लोगों को अंधविश्वास में लेकर क्या है, सर्वे सर्वा बन गया। यानी चर्च का बोलबाला उसने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये क्या कर लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से क्या है, इस देवी उत्पत्ति सिद्धांत का क्या हो गया, पतन हो गया। दूसरी चीज़ आती है यहाँ, सामाजिक समझौता। यानी जब सामाजिक समझौता सिद्धांत आया, जो हॉब्स लॉ रूसो ने दिया था उसके अनुसार जब सिद्धांत आया, तो इसका धीरे धीरे क्या होने लग गया था, खंडन होने लग गया था। तीसरी चीज आती है यहाँ, प्रमाण, कि कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते हैं कि राजा की उत्पत्ति क्या है, ईश्वर ने करी है। ये सारी चीजें क्या थी, इसके पतन में सहायक रही। तो देखो हमने मोटा मोटी चीजें देख ली, समर्थक देख लिया, और इसके अलावा कैसे सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें देख ली। ये एक बुक्स आप ध्यान में रखना, जेम्स प्रथम है, और राजा को क्या है, निरंकुश बना दिया। ये सारी चीज़ें क्या है,
हमने देख। अब देखो एक चीज़ और है जो पुराने ज़माने से क्या है चली आ रही है, जैसे कई देश हैं जैसे चीन, भारत, नेपाल, इसके बाद मिस्र है, जापान है। तो देखो चीन में भी क्या कहा गया है, यहाँ जो राजा थे उनको स्वर्ग पुत्र कहा गया है। राजा को क्या कहा गया था? स्वर्ग पुत्र। भारत में क्या कहा गया था? सूर्य पुत्र। मिस्र में भी क्या कहा गया था? सूर्य पुत्र। जब नेपाल, नेपाल की बात करें तो क्या कहा गया राजाओं को? विष्णु का अवतार। और जापान में भी क्या कहा गया था इनको? सूर्य पुत्र कहा गया, यानी निपुण, सूर्य देवता। सूर्य पुत्र मतलब निपुण बोलते हैं वैसे, सूर्य पुत्र नहीं, निपुण, निपुण यानी सूर्य देवता है। तो देखो राजाओं को प्राचीन समय से देखो ये चला आ रहा है कि राजाओं को क्या है, एक तरह से भगवान की संज्ञा दे रखी। देखो स्वर्ग पुत्र मतलब स्वर्ग से सिद्ध आया राजा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, राजा की जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो कहता है। मान्यताएं हमने देख ली क्या कहता है सिद्धांत, पतन देख लिया, आलोचनाएं देख ली क्यों क्यों पतन हुआ, अनैतिहासिक है, कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता, निरंकुशता को ज़्यादा महत्व देता है। देखो ये हमने बात करी थी, निरंकुश बना रहा है राजा को, तो इस कारण से भी क्या है इसका पतन हुआ है। लेकिन देखो पतन हो गया लेकिन फिर भी क्या है इस जो सिद्धांत की कुछ चीज़ें अच्छी भी रही, जिसमें सबसे पहली बात तो है कि ये जो अराजकता वाली स्थिति है ना, इससे इसने क्या किया, एक तरह से समाज को छुटकारा दिलाया। तो ये सारी चीज़ें थी देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में। समर्थक आप जो हैं वो सारे थोड़ा क्या है ध्यान रखना। आज कोशिश करी है वीडियो बनाने की, इससे पहले हम वैसे पढ़ा रहे थे, तो अगर कोई कमी इसमें रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें आगे वाला जो सिद्धांत है देवी उत्पत्ति के बाद मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।